डिजिटलाइजेशन के युग में अब छात्रों को आगे बढ़ने की ललक को देखते हुए डेंसो इंडिया ने बांगरोला स्टेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित की है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। स्कूल में कंप्यूटर लैब शुरू होने से छात्र काफ़ी उत्साहित है। छात्रों की माने तो उन्हें अब शिक्षा के नए आयाम छूने का मौका मिलेगा। आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या स्वयं को हर क्षेत्र में आगे रखने की थी, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। इस लैब के शुरू होने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मेरा नाम अंजलि है, मैं 12th A Arts में पढ़ती हूँ। और आज क्या हुआ? आज एक इस लैब का उद्घाटन हुआ है, जो ये डेंसो कंपनी है, इसने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो हमें ये लैब मिली है, तो इससे हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। और क्या क्या फैसिलिटी आपके स्कूल में है? वैसे तो थी फैसिलिटी, लेकिन जो इस इन्होंने जो फैसिलिटी दी है वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा कंप्यूटर है तो बेहतर तरीके से सबको टाइम मिल पाए प्रैक्टिस करने का। हाँ, ज़्यादा पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। मैं संतोष ग्रेवाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांगरोला। मैं डेंसो कंपनी के बारे में बताना चाहूँगी कि बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए डेंसो कंपनी स्कूल में 2016-17 से लेकर आज तक बहुत सारे कार्य कर रही है। जिस भी कार्य की बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आवश्यकता होती है, ये हमेशा आगे खड़ी मिलती है। हमसे समय समय पर मीटिंग करती है कि इस विद्यालय को क्या चाहिए बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो 2016-17 में इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई, जिसका कि बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरी बुक्स हैं, थाउजेंड्स में बुक्स हैं। जो एक समय की मांग थी, शौचालयों की कमी थी, वो भी डेंसो कंपनी ने पूरी की। फिर 2019 में 22 कंप्यूटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए, जिसका कि परिणाम हुआ कि हमारे स्कूल के बच्चे कंप्यूटर साइंस प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये फैसिलिटी मिली है। अब बच्चे ज़्यादा हो गए, 1000 से ऊपर है, तो डेंसो कंपनी के साथ हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा कि भाई, दो रूम हमारे पास हैं, आप इनको ठीक कीजिए और कंप्यूटर इसमें इस्टेब्लिश कर दिए। उन्होंने समय नहीं लगाया, थोड़े से समय में ही 44 कंप्यूटर इस्टेब्लिश कर दिए। तो मैं डेंसो कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि ब्राइट फ्यूचर के लिए डेंसो कंपनी इसी तरह हमें सहयोग देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। डेंसो प्रबंधन की माने तो उनका मिशन सदा ही एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने का रहा है। ऐसे में स्कूली छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी वह सदा तत्पर रहते हैं। जब उन्हें मालूम चला कि बांगरोला स्कूल में कंप्यूटर की समस्या है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से संपर्क किया और स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित कर छात्रों की डिजिटल शिक्षा का को बढ़ाने का कार्य किया। वहीं डेंसो ने स्कूल में वॉशरूम, पूर्ण पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब की स्थापना भी की है। डेंसो का जो हमारा एक वर्ल्ड वाइड गोल है अपने प्रोडक्ट के थ्रू ना, ग्रीन और पीस ऑफ माइंड, एक ही हमारा गोल है। और CSR के तहत भी हम काफ़ी चीज़ें करते आए हैं, जैसे कोविड में हमने फेस शील्ड गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट किया, मोबाइल वैन स्टार्ट करना, और हमें लगता है कि स्किल इंडिया मिशन के साथ जैसे गवर्नमेंट का रहता है, उसके साथ जुड़ के कैसे बच्चों को डिजिटल एजुकेशन प्रदान की जाए, तो उसी के उसमें हमने 3 कंप्यूटर लैब यहाँ पे डेवलप की हैं। और ये मतलब एक पहला चरण है और आगे कई सारी चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। थैंक यू। कंप्यूटर तो लग गए हैं, लेकिन लाइट की बड़ी समस्या है, तो उसके लिए जनरेटर के प्रबंध किया जा रहे हैं? हाँ, जनरेटर का तो ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन हमारा जो एक वो मिशन है, जो अभी सोलर जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट कम किया जाए सोलर एनर्जी को यूज़ करके। तो उस दिशा में आगे कैसे हम सोलर का यहाँ करें ताकि ये वाली समस्या भी दूर हो, उसमें भी हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ईश्वर सिंह यादव, सरपंच भांगरोला। सर, मैं जब 2010 में मैंने जो है सरपंची ग्रहण की थी, तब से सबसे पहले मैंने विद्या पर ध्यान दिया कि भी बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और मेरे कार्यकाल में बच्चों का जो है ना परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ, उसके लिए मैं स्कूल का भी धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैंने मारुति से और डेंसो कंपनी से सबसे पहले इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू वो शौचालय बनवाए, और उसके बाद कंप्यूटर लैब वगैरह, जैसे भी इनको हमने आदेश दिया उन्होंने हमारी मदद की, उसके लिए मैं गाँव की तरफ से डेंसो कंपनी का धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद। स्कूल में कंप्यूटर लैब खुलने से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने का कितना मौका मिलेगा, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो छात्र इस लैब के स्थापित होने से काफ़ी उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।